शरीर के वजन से ज्यादा सामान आपके शरीर के ऊपर लगा है। आंखों पर पट्टी इसलिए है कि आप दाएं बाएं देखकर भटके नहीं, अपने मालिक के इशारे पर सीधे चलते जाएं। क्या कहा? आपके मालिक को कुछ न कहें, बहुत वफादार है। आपको बोझ से लदे सामान ढोते रहते हैं, चाहे पहाड़ी रास्ते हो, चाहे सरपत चौड़ने की जगह या सड़क या ग्लेशियर। आप काम करने को आतुर, और आप तो आज पुलिस की नौकरी भी करने लगे हैं। थोड़ा गाड़ी खींचने, सामान ढोने और यहाँ तक कि आदमी को भी पीठ पर दो दो कर चलने का काम कर रहे हैं। खैर, आप जिस हाल में चाहें खुश रहिए, हम चले। वाह रे इंसान, इन कुत्तों को तुमने बिल्कुल गुलाम बना दिया। ये तो तुम्हारे गुलाम हो गए। कितने अनुशासित, कहने मात से उठते हैं, कहने मात से बैठते हैं। जानते हो दोस्तों, तुम्हें पालतू बनाने का मुख्य कारण, पहले बड़े बड़े जंगली जानवर मनुष्य के द्वारा पाले गए छोटे छोटे जानवरों व मनुष्यों का शिकार कर लेते थे। मनुष्य धीरे धीरे शिकारी बना, और जो सबसे पहला पालतू जानवर बनाकर तैयार किया गया वो था कुत्ता। क्योंकि आपने एक अच्छे नेता के रूप में कार्य किया तथा आपने अपनी चकल का फायदा भी उठाया जो भेड़िये से बहुत मिलती है। आपने हमेशा इंसान को खतरे से पहले ही सचेत कर दिया, इसीलिए इंसान ने तुम्हें पालतू पशु नहीं अपना साथी बनाया। अभी के मिले आंकड़ों के अनुसार इराक की गुफा में 12,000 वर्ष पूर्व के कुत्तों के जबड़ों की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि आप इसके पहले से ही पालतू बनाए जा रहे हैं। तो वैसे तो महाभारत के समय में युधिष्ठिर के पालतू कुत्ते ने युधिष्ठिर के साथ साथ स्वर्ग तक पैदल जाने का फैसला किया था, परंतु वो केदारनाथ तक ही पहुंच पाया। आज भी उस कुत्ते की समाधि केदारनाथ में बनी है। अरे, हम तो यहीं अटक गए, बाकी का काम क्या होगा? भागो जल्दी। वाह भैंसे जी, जंगल की आजादी भरी जिंदगी छोड़कर और शहर में आराम करके खाने आए थे। इंसान आपको पका पकाया दे रहा था ना, करे जाइए जी भर कर मेहनत, तब शाम को चारा मिलेगा। वैसे लगभग 8,500 वर्ष पहले से कई स्तनपायी पशुओं को पालतू बनाया जाता रहा है, आप इन्हीं की संतान हैं। लेकिन तब से आज तक साथ साथ इंसान ने
कई स्तनपायी पशुओं को इसलिए और पालतू बनाया कि वो उनके दूध और मांस से अपना पेट भर सके और उनका व्यापार कर सके, चाहे वो बकरी हो, चाहे सुअर या गाय, बैल। हाँ, घोड़े और गधे पर बोझ ढोने की मेहरबानी ज्यादा रही। बकरी को, भेड़ को, इन सबको क्यों पाला, कब से पाला? ये पशुओं को पालतू बनाने की प्रथा तब से निरंतर आगे बढ़ी जब से भोजन मनुष्य की ऐसी जरूरत बना कि वो पूर्णतया कृषि पर निर्भर रहने लगा। इसके उदाहरण के रूप में मध्य पूर्व के एक उपजाऊ हिस्से में 13,000 वर्ष पूर्व के एक के ऊपर एक लदे हुए सुअर, बकरी, भेड़ की हड्डियां मिली है। बड़े ठाक हैं आपके, आप तो मनुष्य की बहुत पुरानी जाति हैं। वैसे आप शेर की मौसी भी है, देखिए ना, शेर की शक्ल आपसे कितनी मिलती है, तभी तो वो आपके परिवार का सदस्य है। आप इंसान के साथी के रूप में अच्छी भूमिका अदा करती हैं। आपको मुख्य रूप से पालतू बनाने का कारण है चूहे, आप जिनकी बाढ़ पर रोक लगाती हैं। इजिप्ट के एक मकबरे में बने चित्र में आप इंसानों के साथ खड़ी है जो 3500 वर्ष पुरानी है। ये बताती है कि आपका और इंसान का साथ पुराना है। अच्छा, तो हम चलते हैं। बात जानने आया हूँ कि ये जानवर जो यहाँ बंद है, इन्हें आपने क्यों बंद कर रखा है, इंसान के डर से? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है, लोग समझते हैं कि यहाँ प्राणी उद्यान में जानवरों को इसलिए बंद करके रखा गया है कि वहाँ आदमियों से इनको खतरा था। ऐसा कोई खतरा नहीं है, आदमी भी कभी इन्हीं जानवरों की तरह से जंगल में रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने बुद्धि के बल पर अपने विकास करके आज इन सबसे ऊपर पहुंच गया है। ईश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था बनाई, उसने ऐसी व्यवस्था की कि कुछ कारणों से यदि जानवरों को कोई तकलीफ हो, कुछ हो, तो उनको कहाँ रखा जाए। बाकी जानवर जो भी रखे गए हैं वो किन्हीं कारणों से रखे गए हैं। रही बात, मान लीजिए एक माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, जैसे कुछ भेड़ियों के बच्चे हैं हमारे यहाँ रखे हुए, उनका क्या था, गाँव में माँ आई शिकार करने के लिए बकरियों के, और उनके साथ बच्चे भी आ गए भेड़िए के, वो बच्चे वहाँ छूट गए माँ चली। अगर उन बच्चों को हम जंगल में ले जाकर दोबारा छोड़ दें तो क्या होगा, कुत्ते या तो मार डालेंगे या दूसरे जानवर मार हिंसक जानवर मार डालेंगे, तो वो भेड़िए के बच्चे मर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए मजबूरी थी कि उनको हम यहाँ रखें और उनकी सुरक्षा करें। यही कारण है, यही उद्देश्य लेकर के हम जू बनाए हैं। मुझे मत बंद करिएगा, मैं जंगल वापस जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महाराज हमारी रिपोर्ट, हमारे दोस्तों की। परगीतर जी, आप इतनी जानकारी बटोर कहाँ से लाए? जाने से पहले बहुत अध्ययन किया था, पर एक बात है, शहर की हवा अच्छी नहीं, खुलकर सांस भी नहीं ली जाती। अरे सांस तो अब जंगल में भी लेना मुश्किल है, जो पालतू हैं वो तो इंसान के साथ किसी तरह से जी लेंगे, पर इंसानों ने जो ये 75% तक जंगल काट डाले हैं, अगर बचे खुचे 25% भी कट गए तो हमारा क्या होगा? बचाइए हमें पालतू न सही, तो भी आप ही के साथ हैं, हमारी सुंदरता को बढ़ाइए, उसे नष्ट मत कीजिए, अन्यथा हमारे साथ समस्त सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। हमारे साथ आप भी इनकी मदद कीजिए।